हाँ दीपक भाई सारी चीजें मैं भी जानता हूँ सारी चीजें। क्यों यहाँ पे प्रवेश द्वार आप देख सकते हैं साफ साफ लिखा हुआ है कोड़ागिरी मंदिर का प्रवेश द्वार। जय माता की, जय माता की, जय माता की। दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है प्रजापति ब्लॉग में और आज हम जा रहे हैं कोड़ागिरी। कोड़ागिरी आपको मालूम होगा एक माना जाना तीर्थ स्थल है, वहीं पे हम लोग जा रहे हैं दर्शन करने माता जी का। और आप सभी लोगों को आज हम बताएंगे कि आप किस तरीके से कोड़ागिरी जा सकते हैं और कोड़ागिरी जाने के बाद आप वहां पे कहां पर रुक सकते हैं, अपने जूते चप्पल कहां पे उतार सकते हैं और आप प्रसाद कहां पे ले सकते हैं और कोड़ागिरी जाते समय आपको कौन कौन से और दूसरी मंदिर पड़ेंगे जो आपको घूमना चाहिए। तो आप सभी लोगों को हम पूरा गाइड करेंगे, मतलब अगर आप हमारी वीडियोस पे आए हैं तो आपको कोड़ागिरी जाने का बहुत मन होगा। हम पूरा के पूरा आपको एक्सप्लेन करेंगे कि आप किस तरीके से कोड़ागिरी बहुत आसानी से जा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों जिस तरीके से आप कनकपुर के आगे आएंगे तो आपको इस तरीके का कुछ बोर्ड मिलेगा और इस बोर्ड पे लिखा होगा पिथौरागढ़ 147 किलोमीटर और चंपावत होगा आपका 74 किलोमीटर और आपको यहीं से रास्ता कटा होगा इस साइड में। मैं आपको थोड़ा पास में दिखाता हूँ कि किधर का रास्ता कटा हुआ है। इधर आगे जाएंगे तभी आपको माँ कोड़ागिरी धाम के लिए रास्ता कटा होगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं ये सीधा चला जाता है चंपावत और पिथौरागढ़ की तरफ और जो ये वाला रास्ता ये कोड़ागिरी धाम की तरफ जाता है और कुछ भाई लोग वहाँ पर अभी उतरे हुए हैं फ़ोटो वोटो क्लिक करा रहे हैं। तो आपको इस तरीके का बोर्ड दिखेगा, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ जूम करके बिल्कुल, जहाँ पे लिखा होगा श्री माँ दुर्गे धाम आपको इसी वाले रास्ते पे जाना होगा, ठीक। और वो वाला रास्ता अपना पिथौरागढ़ के तरफ चला जाता है। तो चलिए और भी हम आपको आगे लेकर के चलते हैं और आपको हम पूरा के पूरा गाइड करेंगे किस तरीके से आप कितनी आसानी से वहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूँ मैं अकेला नहीं आया हूँ, मेरे साथ हमारे टीम लोग भी आए हुए हैं, जैसे कि आकाश मेरा भाई हो गया और विशन भाई आए हुए हैं और हमारी अप्पी आई हुई है। तो हम लोग सभी लोग आए हुए हैं और बहुत मजे करने वाले हैं आज और माता रानी का बहुत आराम से दर्शन है। ये भी हमारा भाई के जैसे ही हैं, ये भी आया हुआ है साथ में। तो चलिए चलते हैं आगे आपको लेकर के चलते हैं। तो दोस्तों जो कोड़ागिरी का फ्रंट गेट है, जो कोड़ागिरी जाने के लिए फ्रंट गेट हमारा यही वाला होता है और यहाँ पर जो नज़दीकी चीज़ है वो है आपका भैरव मंदिर, यहाँ से 18 किलोमीटर है और आपका होली घाट की दूरी है यहाँ से 12 किलोमीटर और भूम मंदिर की दूरी है आपकी 7 किलोमीटर। तो हम लोग ये सारा के सारा मंदिर घूमेंगे और आपको भी हम लोग घुमाएंगे और आपको सारा कुछ गाइड करेंगे किस तरीके से आप कितनी आसानी से उस जगह का घूम सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, हम लोग आगे निकलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप कार से आते हैं तो कार का 150 रुपए का पर्ची कटता है और बाइक का कितने रुपए कटता है? 40 रुपया। बाइक का 40 रुपए का पर्ची कटता है जो ये भैया लोग काटते हैं यहाँ पे। ये कहाँ पे लगता है? गवर्नमेंट में लगता है, जिला पंचायत में लगता है। तो दोस्तों आप जब भी आएंगे तो यहाँ पे आपको 150 रुपए का कार का और 40 रुपए का बाइक का कटवाना पड़ेगा जो शुल्क माल है यहाँ पे एंट्री करने का। यहाँ पे आपको इसे नाका दिखेगा आगे पार्किंग दोनों है इसमें। अच्छा एंट्री और पार्किंग दोनों रहता है, कह रहा हूँ जिंदगी के मौज तो। चलिए और आपको आगे लेकर के चलते हैं, आपको दिखाते हैं। यहाँ पे आप बोटिंग भी कर सकते हैं, इस तरीके से बोट लेके जाते हैं और कार देखिए क्या हो गया इस कार का। और श्रद्धालु लोग कुछ इस तरीके से जाते हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा। सभी लोग ऊपर अभी हमें मिलेंगे माता रानी के दरबार। लेकिन श्रद्धालु लोग जा रहे हैं, ये लोग पैदल ही जा रहे हैं शुरू से, मतलब स्टार्टिंग से ये लोग पैदल जा रहे हैं और गाड़ी ऊपर तक जाती है लेकिन जिसका मन जैसा होता है उसी तरीके से जाता है। आप देख सकते हैं कुछ लोग बिना चप्पल के भी पहन करके जाते हैं और कुछ लोग चप्पल पहन के जाते हैं। और हम लोग जो है हम लोग ऊपर तक जाएंगे, हमारे हिसाब से तीसरी खोली तक जाएंगे हम लोग। दोस्तों रोड बहुत खतरनाक है यहाँ पे, आप देख सकते हैं आगे से गाड़ियाँ आ रही है और उसी कामों को निकालना रह रहा है।
अरे जोर से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी। तो यहाँ पे कार पार्किंग करने के लिए लड़ाई हो रही है। लड़ाई नहीं हो रही है, परामर्श हो रहा है। देखिए यहाँ पे कार पार्किंग कहाँ है, ये इनका बिजनेस है और बिजनेस चल रहा है। अरे यहाँ पे प्रसाद लेना रहता है और यहाँ पे रुकने का बहुत अच्छा व्यवस्था, कहीं पर भी रुक सकते हैं। आगे बहुत भीड़ है बाबू, यहाँ पे पूजा सामग्री भंडार लगा ले आराम से। चलो आगे चलते, आगे आगे चलेंगे, आगे अभी हम लोग और आगे जाएंगे। उसके जहाँ तक हमारी कार जाएगी हम लोग वहाँ तक जाएंगे और फिर उसके आगे हम लोग चढ़ाई करेंगे पैदल। यहाँ पे बहुत सारे जगह हैं रुकने के लिए, अच्छे अच्छे जगह है। वहाँ पे बाथरूम है, बहुत अच्छी जगह है, एक से एक, कोई दिक्कत नहीं होता है, आराम से आप ऊपर जा सकते हैं। जितना ऊपर तक आप जाएं वहाँ तक जा सकते हैं। कोई सारा बैठ के कर रहे हैं सर जी, आप भी तो यहाँ पे कुछ सर ने हम लोग को बताया कि यहाँ पे पार्किंग यहाँ पे है और इस तरीके का कुछ पार्किंग होता है और नीचे पार्किंग मेरे को उतरी लेना ना। तो दोस्तों आप जब पूर्णागिरी आ जाएंगे तो आपको पार्किंग यहीं पे देखने को मिल जाएगा, जिस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे पार्किंग है। और हम अपनी गाड़ी को यहीं पे पार्क करेंगे, फिर उसके बाद हम थोड़ा फ्रेश होंगे, फिर उसके बाद हम ऊपर जाएंगे माता रानी के दर्शन करने के लिए। तो हमारी गाड़ी निकल गई पार्किंग के लिए, ग्राउंड में रखना, ग्राउंड अब यहाँ पे जाएगी, पार्किंग होगी हमारी गाड़ी और थोड़ा मोड़ा हम लोग यहाँ पे रेस्ट करेंगे, फिर उसके बाद हम जाएंगे ऊपर। तो आप सभी लोग बने रहिए, आपको हम स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ गाइड करेंगे कि आप किस तरीके से और ऊपर जा सकते हैं। देखिए अगर आप यहाँ पे आते हैं तो आपको किसी चीज़ का टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जब भी यहाँ पे आएंगे तो आपको आप कहीं पर भी रुक सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे जगह बने हुए हैं, आप वहाँ पे रुक सकते हैं, आपको वहाँ पे करना कुछ नहीं रहेगा। वहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ प्रसाद लेना रहेगा, प्रसाद लेंगे वहाँ पे आराम से रहने के लिए आपको जगह मिल जाएगा। तो दोस्तों कुछ इस तरीके का यहाँ पे पार्किंग मिल जाता है, इस तरीके का सोने का जगह मिल जाता है और यहाँ पे बहुत सारे जगह मिल जाएंगे जहाँ पे आप अपने कार को पार्किंग कर सकते हैं। लेकिन इन लोग का शर्त बस ये रहता है कि आप जहाँ पे कार पार्किंग कर रहे हैं या जहाँ पे आप रेस्ट कर रहे हैं, जहाँ पे फ्रेश हो रहे हैं, वहीं से आपको प्रसाद लेना है। जिस तरीके से प्रसाद इस तरीके से यहाँ मिलता है, यहाँ पे प्रसाद मिल जाता है। तो यहाँ पे इस टाइप की गाड़ियाँ मिल जाती हैं जहाँ पे ये लोग नीचे तक छोड़ देते हैं। इनका कुछ रेट लिस्ट ऐसा होता है, आपके स्क्रीन पर दिखाई दे देगा। ये लोग नीचे से ऊपर भी लेके आते हैं और ऊपर से नीचे भी लेकर के जाते हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से इस गाड़ी में फूस रखे हैं कितने लोगों को। आइए कि आराम से आपको पहुंचा देंगे नीचे पे, कोई टेंशन नहीं होती है। तो जब आप आगे की तरफ जाएंगे तो कुछ आगे का सीन ऐसा होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक रास्ता गया हुआ है जहाँ पार्किंग के लिए गया हुआ है। इधर आप अपने कार को पार्किंग कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, ठीक। और आपको इसी वाले रूट से जाना होगा जहाँ पे आपको दिखाई देगा, इस तरीके का कुछ सीन है यहाँ पे। तो आप सभी लोग बने रहिएगा, अभी हम लोगों ने कार को पार्किंग कर दी है और ऊपर जा रहे हैं। अभी हम लोग को काफ़ी ऊपर तक जाना है, जिस तरीके से आपको यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा वहाँ पर जाना, बहुत ऊपर जाना है। तो जब आप माता रानी का दर्शन करने के लिए ऊपर जाएंगे तो कुछ इस तरीके के आपको दुकान देखने को मिल जाएंगे जो काफ़ी अच्छे अच्छे चीज़ें रख के बेचते हैं, अच्छे अच्छे माला रखे रहते हैं और अच्छे अच्छे चूड़ियाँ, मतलब बहुत अच्छे अच्छे सामान रखे रहते हैं। जब आप दर्शन करके आएँ उधर से तो आप बहुत आसानी से इन सब चीज़ों को ख़रीद सकते हैं और मतलब काफ़ी अच्छे अच्छे शॉप, बिल्कुल मन मोहने वाला शॉप है ये सब। और भी जब हम ऊपर जाएंगे तो अच्छे अच्छे चीज़ देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों चढ़ते चढ़ते हमें दिखा दिया कहाँ पे आ गए। तो भैया से पूछते हैं यहाँ पे मेला कब से कब का लगा रहता है भैया? होली के दूसरे दिन से ये 15 जून तक 24 घंटे और अच्छा। इससे पहले जो है ऑफ सीजन चलता है, सुबह 7 बजे से 7:30 बजे तक माता के दरबार में सफाई होती है, सफाई होती है। उसके बाद में 8 बजे आरती होती है। आरती मतलब 12 मास चलता है यहाँ पे, 12 महीने 12 मास, चाहे बरसात हो चाहे कुछ भी। लेकिन सबसे अच्छा टाइम यहाँ पे आने का है वही होली के बाद आने का। बरसात में आने का मतलब नहीं बनता, क्योंकि बरसात में यहाँ पे काफी खतरनाक सीन हो जाता है, क्योंकि बारिश वारिश बहुत होता है। जाते जाते मतलब ये मेला हल्का हो जाता है, हल्का हो जाता है। ऑफ सीजन होता है, सुबह 7 बजे से खुलता है, शाम को 8 बजे बंद हो जाता है। अच्छा, तो देखिए भैया ने बताया कि यहाँ पे कब कब आप आ सकते हैं। और हम आपको बताते हैं जब भी आप ऊपर चढ़ाई करने जाएंगे तो फिर यहाँ पे बहुत सारे जगह की धर्मशाला टाइप का बना हुआ है, आप वहाँ पे अपने बैग रख सकते हैं, वहाँ पे स्नान कर सकते हैं, वहाँ पे वहाँ से प्रसाद लेना पड़ता है सिर्फ, वहाँ पे सारा का सारा सामान आप रख सकते हैं, कोई किराया भाड़ा नहीं लगता। बस खाली इनका कहना ही रहता है कि आप हमारे यहाँ रुके तो खाली आप प्रसाद ले लीजिए, सही बात है, प्रसाद की सेवा है। तो वहाँ पे आप कहीं पर भी ठहर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
तो चलिए हम अभी और आगे जाएंगे और आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों चलते चलते हम काफी आगे तक पहुंच गए और यहाँ पे प्रवेश द्वार आप देख सकते हैं साफ साफ लिखा हुआ है कोड़ागिरी मंदिर का प्रवेश द्वार। तो हम लोग यहाँ तक पहुँच गए और थोड़ा बड़ा चढ़ाई रह गया उसको भी हम लोग पूरा कर लेंगे अभी। जोर से बोलो जय माता दी, सब मिल बोलो जय माता दी, आवाज ना आई जय माता दी, भैया बोले जय माता दी, सब मिल बोलो जय माता दी, बहना बोले जय माता दी। चलते चलते अब हम माता रानी के दरबार के नजदीक पहुंच चुके हैं और वहीं पे हमें ठहरने का जगह मिल गया, जैसे देख सकते हैं सभी लोग सोए हुए हैं, तो यहीं पे हम लोग ठहर जाएंगे अब। फिर उसके बाद नहा करके हम लोग दर्शन वहीं करेंगे, 2 बजे के आसपास दर्शन करने को सोचे हैं, आराम से यहाँ पे रेस्ट करेंगे फिर उसके बाद दर्शन करने जाएंगे। तो जैसा कि अब हम लोग यहाँ से नहाने जाएंगे और यहाँ पे विशाल भाई है, अब हम लोग ब्रश व्रश करेंगे आराम से, तो ब्रश करने के बाद नहा ले फिर उसके बाद आपको दिखाते हैं कुछ ऐसा सीन होने वाला है यहाँ पे, ये दिखा दूँ। और तो बड़ा ये विशन भाई आ गया, भैया देखो कहाँ से आ रहे हैं ये, क्या कर रहा है, हाँ यही है भैया गंदगी बजा रहे हैं। और यहाँ पे हम लोग रुके हुए हैं फ्रंट में आप देख सकते हो, जो कि यहाँ से हम प्रसाद और साथ लेके फिर आगे के लिए जाएंगे। और कैसे निकाल लो अजय भैया, टेक केयर हमारे भैया, इधर देख लो। और विशाल भाई ब्रश भी करने लग गए और मिलते हैं फिर आपको आगे। तो दोस्तों फाइनली सभी लोग रेडी हो चुके हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं इधर अप्पी भी रेडी हो गया, आकाश भी रेडी हो गया है, उधर दोस्त भी रेडी हो गया है और इधर बिशन भाई भी रेडी हो गए हैं। तो अब हम लोग जा रहे हैं प्रसाद लेने के लिए, प्रसाद लेते हैं फिर उसके बाद माता रानी का दर्शन करने के लिए निकलेंगे। सामान अभी 2 लड़के हैं वहाँ पे, सामान भी रख लिया जाएगा, जैसे भाई आए हैं बोल रहे हैं सामान रखने के लिए, तो ऑलरेडी वहाँ पे 2-3 लोग हैं वो रखवा लेंगे। तो प्रसाद देख लो कौन सा लेना है। प्रसाद भैया ये हमें ना बड़ी शक्ति प्रसाद, तो प्रसाद लेने के बाद हम लोग निकलेंगे आगे, 151 वाला प्रसाद है। तो चलो दोस्तों फिर अब हम लोग रेडी हो चुके हैं ऊपर जाने के लिए, सर पे हम लोगों ने बांध लिया है और मेरा प्रसाद ले लो, मेरा प्रसाद लो। हाँ तो दोस्तों हमने देखिए प्रसाद भी ले लिया है और सभी लोगों ने प्रसाद ले लिया, उनके पास भी प्रसाद आ गया, आकाश के पास भी प्रसाद आ गया, लड़के ने नहीं लिया पता नहीं क्यों, लड़के का प्रसाद और मेरा सभी लोग के पास है, एक ही है ना भैया, तो एक ही प्रसाद हो गया हम लोग का। और अब हम लोग निकल गए हैं माता रानी का दर्शन करने के लिए आगे की तरफ। जय माता दी, 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 जय माता दी। तो दोस्तों ये हम लोग आ गए हैं प्रवेश द्वार पर, जिस तरीके से आपको दिखाई दे रहा होगा ये होता है, ये पूर्णागिरी माता जी का प्रवेश द्वार है, ये हो गया प्रवेश द्वार, आपको दिखाई दे रहा होगा कुछ इस तरीके का प्रवेश द्वार है। तो अब देखिए यहाँ से जाने वालों के लिए रास्ता अलग हो गया और आने वालों के लिए रास्ता अलग है यहाँ से। और इस तरीके की चौकाचंद चीजें देखने को मिलेंगी। तो आप चल ही रहे, देखते हैं कितनी देर में पहुँचते हैं ऊपर, फिर उसके बाद माता रानी का दर्शन करवाएंगे आपको। तो जैसे जैसे पास में जाएंगे वैसे वैसे आपको भीड़ ज़्यादा देखने को मिल जाएगा, और अभी काफ़ी ऊंचे पे हम लोग को जाना है। जय माता की, 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 जय माता की। तो जैसा कि आपने देखा कितनी बूढ़ी अम्मा है और वो जयकारा लगवा रही है और वो भी दर्शन करने के लिए आई हुई थी। तो दोस्तों अब हम लोग बहुत ही करीब आ चुके हैं और पहुंचने वाले हैं, और हम आपको बता दें कितना 4 बज गया होगा ना, हाँ समथिंग, तो 4 बजे के टाइम कम दर्शन करने जा रहे हैं माता रानी का। 3:30 बज रहा है अभी, 3:30 बज रहा है, ऊपर जाते जाते हमें 4:30 बज ही जाएगा। तो हम लोग जाते हैं फिर वहाँ पे, अब आपको वीडियो दिखाते हैं कितना अच्छा है वहाँ पे लगता है। तो दोस्तों फाइनली आप देख सकते हैं यहाँ पे क्राउड कितना ज़्यादा हो चुका है, यहाँ पे पीछे आप भीड़ देख सकते हैं कितना ज़्यादा भीड़ है, और अभी हम लोग 1 घंटे से लाइन में लगे हुए हैं और अभी तक हमारा दर्शन नहीं हो पाया है, और भी अभी बताया जा रहा है कम से कम 1 घंटा टाइम लग जाएगा। तो बहुत ठंडा ठंडा हवा चल रहा है, एक नंबर, पूरा अच्छा लग रहा है। और जब हम आगे जाएंगे और माता रानी का दर्शन करेंगे तो उसका भी वीडियो हम आपको दिखाएंगे, आप सभी लोग ब्लॉग के अंदर बन के रहिएगा, काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो दोस्तों हम बताएं कि देखते ही देखते बिल्कुल मॉर्निंग हो चुका है, आप देख सकते हैं यहाँ पे व्यू कितना अच्छा है, पहाड़ी पहाड़ पूरा दिख रहा है। तो
अभी हो गया कितना टाइम हो गया होगा, 6 बज गया होगा मेरे हिसाब से, 5 बज गया है। तो 5 बज गया है और अभी तक माता रानी का दर्शन नहीं हुआ है। और जो ये भीड़ में खड़े होने का मज़ा है वो एक अलग ही लेवल का है, और अगर ऐसे डायरेक्ट चला जाए तो फिर ज़्यादा मज़ा नहीं आता है। और अभी जैसे 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 दिन होगा, तपस्या हो रही है, और जैसे जैसे दिन होगा उस तरीके से आपको दिखाएंगे कि ऊपर से कितना अच्छा पहाड़ दिखता है, और आपको अभी भी दिखाई दे रहा होगा। माता रानी परीक्षा दे रही है सबकी, और बिल्कुल कितना अच्छा वहाँ पे पहाड़ दिखाई दे रहा है। और एक अभी तारा दिखाई दे रहा था जो हम लोग को लग रहा था कि टावर है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। वो देखिए वहाँ दिखाई दे रहा है आपको, और पहाड़ दिखाई दे रहा है। और अभी जैसे मॉर्निंग होगा तो आपको मैं दिखाऊंगा कितना अच्छा ऊपर से देखने में लगता है। तो मिलते हैं और आगे। तो हमारी सिस्टर जी थक गई हैं, एक बार इधर देख लीजिए, थक गए होगे एक बार, कितना थक गए हो? बहुत सारा। तो बहुत ज़्यादा थक गई है सिस्टर हमारी, और देखते हैं व्यू देखकर थोड़ा थकान हो गया। अच्छा, वहाँ का व्यू? तो यहाँ व्यू कुछ ऐसा ही है जो सिस्टर हमारी देख रही हैं, आप देख सकते हैं यहाँ से बिल्कुल खल्ला है पूरा, जितना नीचे देख पाओगे पूरा ऐसे सीन है। जोर से बोलो जय माता दी, सब मिल बोलो जय माता दी, आवाज ना आई जय माता दी, फिर से बोलो जय माता दी, सब मिल बोलो जय माता दी, भैया बोले जय माता दी, बहना बोले जय माता दी। तो दोस्तों फाइनली हम लोग चैनल वाला गेट पार कर लिए हैं, अब हम लोग अंदर आ गए हैं, और अभी हम लोग को वहाँ पे जाना है जिससे कि आपको दिखाई दे रहा होगा, उस जगह पे जाना है। मैं नीचे से दिखाता हूँ, वहाँ पे जाना है हम लोग को। तो हम लोग बहुत करीब आ चुके हैं, बहुत नज़दीक आ चुके हैं, और आपको हम वहाँ पे ले चल के दिखाएंगे क्या नज़ारा है वहाँ से ऊपर से नीचे का। हमारे भैया जी इतना थक गए हैं कि इतने थक गए कि पहाड़ पे बैठना पड़ गया इनको। नहीं नहीं, हम थके नहीं हैं, बस जवानी में हाल है इनका। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं। तो खड़े हो ना, ये ना विराम अवस्था है। क्या विराम अवस्था? विराम अवस्था वहाँ से दर्शन करने के बाद आगे करना। ऐसा है कि हमें ये अवसर प्राप्त हुआ है। अच्छा, अवसर प्राप्त हुआ है, अवसर तो नीचे भी प्राप्त हो सकता है। चलो ठीक है, थोड़ा रेस्ट करना जरूरी है क्योंकि बहुत देर से खड़े हैं, हमें कम से कम हो गया 3 घंटे खड़े खड़े, 3 घंटे आराम से हो गया होगा। तो दोस्तों सीन देख लीजिए कितना गजब है यहाँ से, नीचे के श्रद्धालु ऊपर आ रहे हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं कितना गजब सीन देखने को मिल रहा है। और अभी हम लोग को वहाँ पर जाना है, और सीन कुछ ऐसा है। तो दोस्तों अभी हम लोग सबसे टॉप पे आ चुके हैं, जैसा कि आपको हम नीचे का नज़ारा दिखाते हैं एक बार। ये देखिए यहाँ से नीचे का नज़ारा कुछ ऐसा है, बिल्कुल टॉप पे आ चुके हैं। मंदिर के पास बिल्कुल नज़दीक में आ चुके हैं, और ऊपर से बिल्कुल बहुत अच्छा सीन देखने को मिल रहा है, जैसे कि आप बिल्कुल देख सकते हैं टॉप व्यू, और पेड़ और सब नीचे रह गए हैं। तो फाइनली हम लोगों ने दर्शन कर लिया है, और यहाँ पर डेढ़ से दो लगी हुई है, काफ़ी भीड़ लगा हुआ है, और हम लोग भी इसी लाइन में भी थोड़ी देर पहले लगे हुए थे, और दर्शन करके अब निकल रहे हैं हम लोग, और जाएंगे नीचे, फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे सिद्ध बाबा मंदिर जाएंगे, जहाँ पे अपना बनबसा डैम है, फिर वहाँ से हम लोग नेपाल में जाएंगे, फिर वहाँ से नेपाल से होने के बाद सिद्ध बाबा मंदिर पड़ता है। और इधर के हमारे जितने भी टीम मेंबर हैं सभी लोग आ रहे हैं, चलो चलो जल्दी जल्दी चलो। तो काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई है अभी भी, काफ़ी बहुत लंबी लाइन लगी हुई है, लेकिन हम लोगों ने दर्शन कर लिया है। तो चलिए चलते हैं आगे और दिखाते हैं कैसा सीन है आगे का। देखिए दोस्तों, अगर हम बताएं आपको तो दर्शन करने का अच्छा टाइम है, जहाँ पे आपको भीड़ नहीं मिलेगा, वो टाइमिंग रहता है रात का, मतलब अगर आप यहाँ पे मॉर्निंग में पहुँच रहे हैं और अगर दर्शन करने के लिए 11 बजे 12 बजे की तरफ निकलते हैं, तो आपको बहुत कम ही क्राउड देखने को मिलेगा। और अगर आप
मतलब जो ये टाइम होता है, जो मॉर्निंग का टाइम रहता है 6 बजे से 7 बजे के बीच का, उस समय बहुत ज़्यादा ही क्राउड रहता है। जिस तरीके से आपको दिखाई दे रहा हो कितना क्राउड है यहाँ पे, तो अगर ये क्राउड देखना नहीं चाहते हैं आप, तो फिर आप मॉर्निंग में आइए, मतलब वही जो मैंने आपको बताया था 1 बजे से 2 बजे के बीच में, तो आपको ज़्यादा क्राउड देखने को नहीं मिलेगा। तो दोस्तों हम लोग फाइनली रेस्ट करके निकल लिए नीचे जाने के लिए, जहाँ पे हमारी कार पार्किंग में कार खड़ी है, और फिर उसके बाद वहाँ से हम लोग जाएंगे टनकपुर। टनकपुर में जो नेपाल वाला मंदिर है वहाँ पर जाएंगे, फिर वहाँ पर घूमेंगे और वहाँ के आपको नज़ारा दिखाएंगे। तो फाइनली हम लोग आ गए हैं यहाँ पे, और जो ये वाला मंदिर है ये आपको नेपाल में देखने को मिलता है, और यहाँ बनबसा है। बनबसा के फिर क्रॉस करने के बाद आपको मंदिर देखने को मिलेगा जो नेपाल के अंदर है। तो आप ये समझ लीजिए यहाँ पे इंडिया और नेपाल का बॉर्डर हो जाता है, और इंडिया और नेपाल का बॉर्डर बहुत ही खूबसूरत है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा पहाड़ी पहाड़ है, और उधर आगे जाएंगे फिर उसके बाद हमें बनबसा डैम देखने को मिलेगा। और अभी हम लोग कहीं देख रहे हैं टुक टुक मिल जाए उसमें बैठने के लिए, तो देखते हैं। तो दोस्तों अभी हम जो है कि ये अपना इंडिया का रोड है, आप देख सकते हैं, और जो ये नदी है सामने दिख रही है उसके उस पार अगर आपको बिल्डिंगें दिख रही है तो वो नेपाल है। तो नेपाल का सिर्फ ये मान के चलिए, बीच में हमारे ये रिवर है बनबसा डैम जो है, और उसके उस पार है नेपाल। सो कितना इंटरेस्टिंग है, ये नदी है बीच में और उसके उधर नेपाल और इधर इंडिया। तो चाचा आप जाते रहते हैं नेपाल, तो सिद्ध बाबा का दर्शन करते हैं आप, तो बाबा भी करते हैं सिद्ध बाबा का दर्शन, और बहुत सारे हाँ बोरी नहीं होगी। तो दोस्तों एक कहावत भी है कि अगर आप पूर्णागिरी जा रहे हैं तो मैंडेटरी है आपको सिद्ध बाबा जाना। और ये आप देख सकते हैं कितने श्रद्धालु यहाँ पे आए हुए हैं जो पैदल ही पैदल सफ़र अपना तय कर रहे हैं। तो अभी हम नेपाल बॉर्डर ये बनबसा डैम पे पहुंच गए हैं जैसे कि आप देख सकते हैं, और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा धूप है तो धूप से बचने के लिए ये ऐसे किए हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे तादाद में श्रद्धालु सिद्ध बाबा जी के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। तो आगे देख सकते हैं विशाल भाई चल रहे हैं, और ये कुछ डैम है आपको यहाँ पे ऐसे करके, यहाँ चेक पोस्ट बना हुआ है, पहले यहाँ चेकिंग वोकिंग होती है कुछ अगर सामान वामान ले जाना उस पर। तो ये आप देख सकते हैं ये है डैम, तो ये है डैम, ये देखिए कि हाँ कि यहाँ रुक नहीं सकते हैं आप, रुक नहीं सकते, वीडियो बनाना ही मना, पर तू बनाते हुए चल रहे हैं, गोप्रो है अपना आराम से इसी पास में रखा कर। तो यहाँ पे सभी लोग कुल्फी खाते हुए, बहुत गर्मी लग रहा था और यहाँ पे मुंह धुला गया, फिर उसके बाद आइसक्रीम खाया जा रहा है। तो हम आपको बता दें अगर आप यहाँ पे आते हैं तो यहाँ से कम 1.5 किलोमीटर की दूरी पे सिद्ध बाबा मंदिर है। अगर आप चाहे तो पैदल भी जा सकते हैं, अगर आप पैदल नहीं जाना चाहते हैं तो फिर आपको यहाँ से बाइक मिल जाती है, तो आप बाइक में भी जा सकते हो। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो बाइक कैसी होती है, और कुछ इस तरीके का यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड लगे हुए हैं, और इस तरीके के कुछ बाइक होते हैं यहाँ पे। और मौसम बिल्कुल बेकार होने लगा, कितने रुपये, तो यहाँ बाइक पर बैठ गए हम लोग, इस तरीके से बाइक की राइड मिल जाती है हम लोगों को, और बहुत आसानी से पहुंच जाते हैं। अगर आप चाहें तो पैदल भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पैदल लेकिन जाएंगे तो थक जाएंगे आप, धूप बहुत आ जाएंगे, और रोड देख लीजिए कैसा है यहाँ पे, और सीन कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, कुछ पानी पानी रहेगा वहाँ तक, पानी पानी रहेगा, और मौसम देख सकते हैं कितना ख़राब होने लगा है अभी से। तो दोस्तों हम लोग पहुंच गए हैं, बाइक से भैया ने छोड़ दिया हम लोग को, और 10 रुपीज़ पर पर्सन के हिसाब से चार्जेस करते हैं यार, टूटे ना। और यहां से देखिए कितना अच्छा नज़ारा देखने को मिल रहा है, पूरा पहाड़ी पहाड़ है, और आगे जाएंगे तो फिर सिद्ध बाबा का मंदिर आ जाता है। तो अभी चल रहे हैं उधर ही, तो रास्ता कुछ इस तरीके का है, आप देख सकते हैं छोटे छोटे दुकानें देखने को मिल जाएंगे आपको, बहुत प्यारे प्यारे दुकानें रहते हैं। जब आप दर्शन करके आए तो यहाँ से
सामान ले सकते हैं अपने घर के लिए। और रास्ता आप देख लीजिए, रास्ता कुछ ऐसा है। तो भाई लोग भी आ रहे हैं, बिल्कुल थक गए। देखिए ये है प्रवेश द्वार, आप देख सकते हैं सिद्ध बाबा का। अब यहीं से हम एंट्री करेंगे अंदर की तरफ। हाँ तो मैं तो आ गया था और अभी आकाश भाई भी आ रहे हैं और भी काफ़ी लोग आ रहे हैं जो हमारे साथ में आए हुए थे। तो ये सभी लोग आ गए हैं और अब हम और अंदर चलेंगे और बाबा जी का दर्शन करेंगे, फिर आपको हम दिखाते हैं। जय माता दी, जय माता दी। तो चलिए अंदर की तरफ चलते हैं और आपको दिखाते हैं, है ना। ले देव अपनी वाली, देव अपनी। तो फिर मंदिर देखिए, जो मेन मंदिर है कुछ इस तरीके का है। आप जब पूर्णागिरी आए तो जरूर से जरूर सिद्ध बाबा आएँ, क्योंकि अगर आप सिद्ध बाबा नहीं आएंगे तो आपकी मनोकामनाएं पूरी नहीं होती हैं, ऐसा कहा जाता है, ऐसा मान्यता है यहाँ का। तो आप जरूर आए यहाँ पे। आप मंदिर तो दोस्तों एक उधर मंदिर है और एक मंदिर यहाँ पर भी है, आप देख सकते हैं ये मंदिर दूसरा है और ये मेन सिद्ध बाबा का है। चलिए चलते हैं अब इधर से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कीर्तन चल रहा है, इस तरीके का कीर्तन चलता रहता है यहाँ पे। छोटे छोटे बच्चे कितने मज़े से खेल रहे हैं और यहाँ पे ज़्यादातर आते हैं तो मुंडन होता है यहाँ पे, मैंने देखा है। तो दोस्तों आप जब दर्शन करके निकलेंगे तो कुछ आपको इस तरीके का शॉप देखने को मिल जाएगा, जहाँ से आप यहाँ पर भी शॉपिंग कर सकते हैं और काफ़ी अच्छे अच्छे आइटम यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। और काफ़ी श्रद्धालु यहाँ से सामान लेकर के जाते हैं, मतलब आप समझ सकते हैं कि यहाँ से अपनी निशानी लेकर के जाते हैं अपने घर पे। और ये देखिए मार्केट कुछ ऐसा है यहाँ का, नेपाल का मार्केट ऐसा होता है, कुछ इस टाइप का मार्केट है यहाँ पे आप देख सकते हैं। और काफ़ी अच्छा मार्केट है, बियर का दिमाग घुमा दिया। तो मौसम देख सकते हैं कितना मस्त हो चुका है यहाँ पे। और यहाँ पे मार्केट है, देख सकते हैं। क्यों कैमरा नहीं बन रहा भैया? मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो वीडियो बना रहा हूँ, ब्लॉगिंग कर रहे हैं हम, कहीं नहीं मनाया। अरे वो यार कुछ नहीं मनाया, अब यहीं तो पड़ेगा यूट्यूब पे। तो देख सकते हैं आप कुछ इस टाइप का मार्केट है यहाँ पे और काफ़ी अच्छे अच्छे सामान यहाँ पे देखने को मिल जाएगा आपको। पूरा नेपाल का आनंद, मतलब नेपाल में तो नेपाल का तो आनंद आएगा ही आएगा, नेपाल में बिल्कुल। तो दो लोग उधर हैं और हम लोग इधर हैं। नहीं नहीं रेस नहीं भैया, ओए भैया भैया देखो रेस वेस मत करो, हाथ छोड़ के आराम से लेके चलो। मैं नहीं चला रहा हूँ, कुछ चल रही है, क्या करूँ? घर पे पापा मम्मी इंतजार कर रहे हैं। मैं थोड़ी चला रहा हूँ यार, कुछ चल रही है, कह रहा हूँ तुमसे फिर भी वही बात। आराम से तो मज़ा आ गया दोस्तों यहाँ पे घूम करके, बहुत ही मज़ा आया, इन्जॉय आया। और सिद्ध बाबा का मंदिर अगर पूर्णागिरी आ रहे हैं तो जरूर से जरूर सिद्ध बाबा आइएगा। दोस्तों आपकी स्क्रीन पे दो और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।